नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण फिर से दहशत है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि दो कोरोना की लहर गुजर जाने के बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। लोग फिर से पहले की तरह शादी फंक्शन और ट्रेवल प्लान, लेकिन अब फिर से महामारी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली में शादी या किसी तरह के फंक्शन में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में शादियों की बुकिंग कर रखी थी, उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कई लोगों ने आर्थिक नुकसान के बावजूद शादियां कैंसिल करने लगे हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपके लिए काम की खबर है। अब आपको कोरोना के दौरान शादी कैंसिल कराए जाने पर 10 लाख का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करने होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइंस की वजह से इस साल भी कई शादियां कैंसिल हो सकती हैं। वहीं बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस आदि की बुकिंग लाखों में होती है। ऐसे में बुकिंग कैंसिल करने पर कई बार ये लोग पैसे वापस करने से मना कर देते हैं। देश में कई कंपनी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको वेडिंग इंश्योरेंस देती है। देश की कई इंश्योरेंस कंपनियां आपको शादी का इंश्योरेंस बेचती हैं। इससे आपको शादी कैंसिल होने से लेकर आपके जेवर चोरी होने तक और शादी के अचानक बाद एक्सीडेंट होने पर आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अगर आपने अपनी शादी का इंश्योरेंस कराया है तो आपको नुकसान नहीं होगा। दरअसल इसमें इंश्योरेंस कंपनी शादी के लिए पहले से पैकेज तैयार करके रखती है। वहीं कुछ कंपनियां जरूरत के हिसाब से भी पैकेज ऑफर करती हैं। गौरतलब है कि वेडिंग इंश्योरेंस का सम इंश्योरेंस इस बात पर तय होता है कि आपने कितने का बीमा कराया है। सबसे खास बात कि अगर आपने शादी की तारीख बदली है तो भी आप दावा क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपके इंश्योरेंस राशि से सिर्फ 0.7% से लेकर 2% तक ही प्रीमियम लगता है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का वेडिंग इंश्योरेंस कराया है तो आपको 7,500 से 15,000 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। आइए बताते हैं अब इसका प्रोसेस। इंश्योरेंस लेने से पहले आपको शादी के खर्च की सारी जानकारी इंश्योरेंस एजेंसी को देनी होती है। जैसे ही आपको नुकसान हो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दे। इसके बाद अगर आपकी कोई चीज चोरी हुई है तो इसकी जानकारी पुलिस को दे और FIR की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को सौंपे। क्लेम करने के लिए फॉर्म भरे, सभी कागजात कंपनी में एक साथ जमा करें। आपके इंश्योरेंस कंपनी इसकी जांच पड़ताल के लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजकर पूरी जानकारी लेगी, तभी क्लेम किए हुए पैसे वापस मिलेंगे। अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होता है तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। गलत होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी रकम सीधे शादी के वेन्यू या वेडर को दे सकती है। अगर किसी भी तरह से पॉलिसी होल्डर क्लेम की हुई राशि से खुश नहीं होता है तो वो सीधे कोर्ट जाकर अपने मामले को रख सकता है। किसी भी सूरत में वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर सेटल होती है। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।